पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को सुबह T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान किया था, जिसमें फखर जमा, शोएब मलिक और सरफराज अहमद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के नाम नहीं थे। लेकिन टीम का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही टीम के मुख्य कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि ऐसे समय में काफी हैरानी भरा फैसला है। पूर्व कप्तान रमीज रजा ने कुछ दिन पहले ही विवादों के बीच PCB अध्यक्ष का पद संभाला है। उन्होंने कुछ कड़े फैसले और पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव की बात कही थी। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगले महीने होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले ये जोरदार झटका लगा है और फिलहाल पाकिस्तान के ही पूर्व दिग्गज स्पिनर सकलैन मुश्ताक और दिग्गज ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक को अंतरिम कोच की जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों को ये जिम्मेदारी सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज तक के लिए दी गई है। मिसबाह ने अपने बयान में बायो बबल और कोरोना प्रोटोकॉल को वजह बताते हुए अपने संन्यास का ऐलान किया, तो वहीं वकार यूनिस ने भी मिसबाह के साथ कोचिंग शुरू की थी, उन्हीं के साथ खत्म करूंगा जैसा अजीबोगरीब बयान देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PCB से ऐसी खबरें आना पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है।